अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टिकटॉक स्टार की मशहूर और मारूफ अदाकारा जिनका नाम डॉली फैशन है, इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप डॉली फैशन आइकन के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और डॉली फैशन के बारे में एक खूबसूरत सा जुमला हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा, कमल आफ्ताब और मनाहिल मलिक को तो आप जानते ही होंगे, ये भी उनमें से ही एक हैं और ये भी आजकल टिकटॉक पर अच्छी और रोमांटिक वीडियोस बनाने के साथ साथ मशहूर हो रही हैं। टिकटॉक यूज करने वाले लोग डॉली फैशन को बखूबी अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि एक बहुत साफ और शफाफ वीडियोस बनाती हैं। इनका असल नाम नौशीन सैयद है। ये 19 अगस्त 1992 में पैदा हुई और अब ये तकरीबन 29 साल के करीब हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज पीटीवी से किया, लेकिन कामयाबी ना हासिल होने की वजह से इन्होंने डॉली फैशन के नाम से एक सैलून शुरू किया, जो ये पिछले तकरीबन 10 साल से चला रही हैं। इसके साथ साथ जब उन्होंने देखा कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में आया है जिसके जरिए एक आम इंसान को बहुत जल्दी फेम मिल जाता है, तो एक दोस्त की मदद से उन्होंने टिकटॉक पर एक अकाउंट बनाया और उस पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। वक्त के साथ साथ डॉली फैशन एक बड़ा नाम बन गई और आज इनका शुमार पाकिस्तान के बेस्ट टिकटॉकर्स में होता है। ये लाहौर के इलाके गुलबर्ग टाउन में रिहाइश पजीर है और अब इनके टिकटॉक पर तकरीबन 6 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं और इनके अकाउंट पर तकरीबन 200 प्लस मिलियन लाइक हो चुके हैं। टिकटॉक की वजह से इनको ड्रामों में भी काम करने का मौका मिलता रहता है। बहुत से सॉन्ग में ये जलवा अप्रोच भी हो चुके हैं। हाल ही में इनका एक नया गाना बादशाह रिलीज हुआ है। इस गाने में आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सॉन्ग रिलीज होते ही एक दिन में 1 मिलियन प्लस व्यूज आ गए और साथ ही साथ डॉली फैशन लाखों दिलों की जान बन गई। तो दोस्तों, डॉली फैशन के बारे में आपको जानकर कैसा लगा? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।